से हारे वो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है तभी मैं हार चुकी हूँ। देशानी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी, मैं ठोक बजा कर कहती हूँ। गोधरा में विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं काम जो मैं संकल्प ली हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचहा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूँगी बोचहा का सेवा करती रहूँगी। वजह कुछ नहीं है, मेन बात है कि देखिए जो जनता जनादेश दी है वो हम उनको सम्मान करते हैं, और जो हमारे शिष्य तो चुनाव प्रचार में लगे हैं उनके मैं आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर मैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता मेहनत किया उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कौन कारण से हारे वो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है तभी मैं हार चुकी हूँ। फिर आदमी का एक हार जीत तो लगा ही रहता है, किस वजह से हुआ वो वजह के मेरे पास सब नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग के लोगों में नाराजगी थी। अब कौन लोगों में नाराजगी थी वो कहने की बात नहीं है, मैं हार गई फिर लोग मेहनत करेगा। कहीं हमारे कार्यकर्ता या हमसे चूक हुई है या पार्टी से चूक हुई होगी तभी हुआ। सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहने वाला क्या कह रहे हैं उन पर मैं टिप्पणी, मेरी संस्कार है, मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मेरा संस्कार है किसी को आगे बढ़ाना, सबके साथ लेकर चलना। मेरा हम लोग का यही संगठन में सिखाया जाता है, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और जो रिजल्ट आया है 45,909 वोट हमारी जनता दी है, तो कहीं न कहीं वहीं के वोट है ना जी। लेकिन आप आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं और कह रहे हैं कि आप ही के साथ के लोग आपकी टांग खींचने में लगे हुए थे चुनाव में, ऐसी हम क्या बदनाम, क्या किसी पर बदनामी। देखिए जीते तो सब लोग हैं, हारेंगे तो वो उनके पर टिप्पणी, मेरे संस्कार में नहीं है कि उन पर टिप्पणी करने का, ठीक है ना, मैं कभी करूँगी। जो हुआ जो जनादेश मिला, 46,000 वोट वहीं के मतदाता ने दिया था, 2015 में वहीं के मतदाता ने हमको 25,000 से जिताने का काम किया था, तो मैं किसी पर टिप्पणी क्यों करूँ, मेरी संस्कार नहीं है टिप्पणी करने। खास जाति के लोग भी नाराज थे आपसे कुछ नेताओं के कारण से, मुझे मालूम नहीं सर। क्या लगता है कि मुकेश सैनी को जिस तरह से बीजेपी के क्या बीजेपी के जो तीनों विधायक था बीजेपी के कर्ज करता था, जिस तरह बेबी कुमारी कर्ज करता उसी तरह उन लोग भी कर्ज करता था। मंत्री पद से भी उन्हें हटा दिया गया था, उसका असर हुआ क्या कुछ? अच्छा असर नहीं है। लेकिन मुकेश सैनी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी, ठोक बजा कर कहती हूँ। लेकिन मुकेश सहनी तो काफ़ी खुश हैं कि आप देखिए खुश क्या खुश है, तो जा अंदर की बात है ना, क्या है क्यों खुश है, खुश होना हम भी खुश हैं। अरे जीवन में लगा रहता हार जीत, मैं काम की हूँ अपने काम पर मैं संतुष्ट हूँ बोचहा में, आज भी कल भी काम किए थे, आगे भी करूँगी और जैसे जा रही थी जनता के बीच में वैसे जाऊंगी। मुकेश सैनी तो कह रहे हैं कि हमने चुनाव हराने का और बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। छोड़िए ना, जो कौन क्या बोला, मैं मेरी संस्कार नहीं है टिप्पणी करने पर, विश्वास नहीं रखती हूँ, अपने मिशन पर हमेशा कायम रखती हूँ। हम चूक हुआ है, हम हारे हैं तो, लेकिन 46,000 मतदाता हमको नेता मानना है, 46,000 जनता वोट दी है, वही 2015 में वही जनता हमको 25,000 से जिताने का काम किया। मैं सेवक के रूप में मैंने 20 साल से काम कर रही हूँ, फिर सेवक के रूप में मैं काम करूँगी। अब बोचहा में विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन
मैं काम जो संकल्प ली हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचहा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूँगी बोचहा की सेवा करती रहूँगी, तो इसी तरह मैं बोचहा की सेवा करती रहूँगी। क्योंकि मेरा सरकार है, जो भी हमारी जनता की समस्या आएगी वो समस्या को लेकर अपनी सरकार को बीच में रखूँगी और काम करवाऊँगी। गठबंधन के सहयोगी दलों की भी भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि बाकी जो दल हैं बीजेपी के अलावा, उन लोगों ने काफ़ी सभी लोग मेहनत किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे सभा करने गए थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी गए थे, हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी गए थे। हमारे चुनाव में सभी लोग लगे हैं और लोग क्या कर रहा है उस पर टिप्पणी नहीं कर। मैं उम्मीदवार थी, मैं बोल रही हूँ कि हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व उस पर लगे हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगी। और हारी हूँ, अभी भी मैं हार नहीं मानी हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं, मेरा सरकार है, मैं काम करवाऊँगी बोचहा के लिए। मतदाता के एक एक वर्कर का मान सम्मान में कहीं कमी नहीं करूँगी और जो जनादेश हमारी जनता दी है उनका सम्मान मैं करती हूँ। ठीक है, उनको बुजुर्ग हैं, क्या कहें नहीं कहें, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं अपनी पार्टी के बारे में पूछेंगे, मैं बताऊँ। हारे तो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है, तभी मैं हार चुकी हूँ। देश सनी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। मैं ठोक बजा कर कहती विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं काम जो संकल्प ली हूं, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचहा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूंगी बोचहा की सेवा करती